Hi guys, how are you all? I'm here to tell you about the present tense because we are going to take a series of tenses today. We are going to discuss about present tense. What is present tense? Already I have told in my last lecture. If you didn't see that lecture, didn't watch that lecture, I will give the link of that video in the description. Okay, then you can understand easily that what I'm saying, on which point I'm going to tell you. तो आज हम बता रहे हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में कि प्रेजेंट टेंस क्या है। टेंस के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि टेंसेस जो होता है, टेंस ऐसे ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के असूल होते हैं जो हमें बताते हैं कि कौन सा काम किस वक्त में हो रहा। तो आज हम पढ़ रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस क्या है? टेंस तो आपको पता चल गया जो हमें टाइम और वर्क के बारे में बताता है। अब हमें पढ़ना है कि प्रेजेंट में क्या क्या होता है, प्रेजेंट टेंस है क्या। तो प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको बताया था कि वर्ब को हमने चार हिस्सों में तकसीम किया था। ठीक है, किस किस में? सबसे पहले जो था वो क्या था? इंडेफिनिट। व्हाट इज दैट? इंडेफिनिट। इफ यू लर्न दैट माय वीडियो लेक्चर सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज इंडेफिनिट, कि इंडेफिनिट क्या है। अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी तो मैंने कहा था कि इंडेफिनिट डेफिनेट का अपोजिट है, जिसका मतलब होता है गैर यकीन। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनेट क्या करता है, इसकी पहचान क्या है, हमने उर्दू से इंग्लिश कैसे ट्रांसलेशन करनी है और इंग्लिश से उर्दू कैसे ट्रांसलेशन करनी है, ये हम बताएंगे। तो सबसे हमने पहले पढ़ा इंडेफिनेट क्या है। इंडेफिनेट के लिए मैंने कहा, आपको फिर बता रहा हूं कि इसमें तीन चीजों का जिक्र होता है। फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन सी? आदत, इन हैबिट्स, रोजमर्रा का काम मतलब डेली रूटीन, और फैक्ट्स मतलब हकीकतें। आदत क्या है? आदतें हैं वो सुबह सवेरे उठता है, नमाज पढ़ने जाता है, कुरान पाक की तिलावत करता है, ये आदत है। रोजमर्रा काम क्या है? वो नाश्ता करता है, स्कूल जाता है, अकेडमी जाता है, तो ये उसकी। और हकीकतें क्या है, फैक्ट्स क्या है? मतलब सूरज मशरक से निकलता है, मगरब में गुरूब होता है, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, रात को अंधेरा होता है, सितारे आसमान में चमकते हैं, चांद रात को निकलता है, और फैक्ट्स। समझ आ गया? इंडेफिनेट के प्रेजेंट के इंडेफिनेट में हम डिस्कस करेंगे इन चीजों को। अब इसकी पहचान क्या है, आप ये बात भी रखें। हमने अगर देखें, सबसे बड़ी चीज होती है कि हाउ टू ट्रांसलेट इनटू उर्दू एंड हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास उर्दू का फिक्र आया है तो आपने उसे ट्रांसलेट कैसे करना है, अगर इंग्लिश का फिक्र आया है तो आपने उसे कैसे ट्रांसलेट करना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। वैसे टेंस तो सबको आ जाते हैं, बट यहां मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसलेट कैसे करना है, मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊंगा कि कितना जल्दी आपको ये बात समझ आ जाएगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको उर्दू से बताता हूं इंग्लिश कैसे करनी है। देखिए, हमारे पास एक फिक्र आया है, क्या वो झूठ बोलता है? देखिए, वो झूठ बोलता है। अब हमने पहले, सबसे पहले ये देखना है कि भाई ये कौन सा टेंस है। देखिए, है से हमें पता चल गया कि ये क्या है, ये है प्रेजेंट को क्या कर रहा है, प्रेजेंट के बारे में बता रहा है कि मैं प्रेजेंट का टेंस हूं। आगे ये जो ता है ये बता रहा है कि मैं इंडेफिनेट हूं, मतलब क्योंकि ये अपनी आदत को बयान कर रहा है, मतलब अपने काम को बयान कर रहा है, तो वो झूठ बोलता है। एक और बात भी मैंने आपको पढ़ाई थी, इंडेफिनेट ऐसा वर्ब होता है, ऐसा काम होता है जिसमें पता नहीं चलता कि किस वक्त में हो रहा है। ठीक है, तो यहां है से हम इसको देख लेंगे, काम से नहीं पता लगेगा, है से पता लगेगा कि ये जमाना कौन सा है। तो ये है से मतलब प्रेजेंट, और ता से पता क्या लगा, इंडेफिनेट, और ये आदत भी है। अब आ जाते हैं जी, हमने इसे ट्रांसलेट कैसे करना है। ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आप याद रखिएगा, इंग्लिश में और उर्दू में दोनों में ये चीज मुश्तरका कॉमन है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया जाता है। जैसे हमने उर्दू में भी पहले सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला, वो लगाया। इंग्लिश में भी पहले हम सब्जेक्ट को लेकर आएंगे। अब इसकी फॉर्मेशन क्या होगी, हाउ टू फॉर्मेट आर
सेंटेंस, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, ओके। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखते हैं, अब यहां पर आप देखें, यहां पर ऑब्जेक्ट पहले लिख दिया गया। अब ये अनकॉमन है, मतलब उर्दू में सेकंड चीज क्या आती है, ऑब्जेक्ट आता है, बट इंग्लिश में सेकंड चीज क्या आती है, वर्ब आता है। वो यहां पर थर्ड में क्या आता है, थर्ड में यहां वर्ब आता है, बट इंग्लिश में थर्ड में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ओके, क्या लिखा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अच्छा मुझे बताएं, हमने अगर एक घर बनाना हो तो घर बनाने के लिए हम सबसे पहले किसकी जरूरत है, सबसे पहले उसके बनाने वाले की जरूरत है, मतलब मिस्त्री की जरूरत है। अगर मिस्त्री नहीं है तो फिर मुझे सामान लेने की जरूरत नहीं है, तो सबसे पहले मिस्त्री चाहिए, मतलब बनाने वाला चाहिए, करने वाला चाहिए काम। तो यहां पर हमारे लिए क्या था, सबसे पहले सब्जेक्ट था, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब लिखेंगे, ठीक है, वर्ब है, वर्ब के बाद हम क्या लगाएंगे, अपना ऑब्जेक्ट लगाएंगे। बात समझ आए, इज दैट क्लियर, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब चेंज कैसे करेंगे, अब हमें उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट करना है, तो सबसे पहले है वो, तो वो क्या है, वो हम लगाएंगे, वो की इंग्लिश क्या है, ही। अब इसके अंदर वर्ब क्या है, बोलना, बोलना वर्ब होता है ना, तो बोलने की इंग्लिश क्या होती है, स्पीक, टेल भी आप लगा सकते हैं, ही टेल्स। अच्छा, टेल और स्पीक क्या है, देखें स्पीक होता है बोलना, टेल का मतलब होता है बताना। देखें बात सच होती है लेकिन बताई झूठ जाती है, तो ये हुआ बताना, सच बोला जाता है, झूठ बताया जाता है, इसीलिए हम क्या लगाते हैं, टेल लगाते हैं, ही टेल्स लगाते हैं। पहले हमने पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हमने क्या वर्ब इसमें देखा, बोलना है, वर्ब बताया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट बताया, ही टेल्स लाए, उसने झूठ बोला। अब मैं आपको बता दूं, यहां पर एक चीज आप समझिएगा, ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन, दे वी आई यू एंड प्लूरल नाउन। देखिए ये और ये दो चीजें हैं, ये दो मतलब उन्होंने फैमिली हैं, इनके साथ वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म लगेगी देखिए, इसके साथ जो वर्ब की बेटा फर्स्ट फॉर्म लगेगी ना, उसके साथ हमेशा हम एस या ईएस का इजाफा करेंगे, जैसे हमने यहां लगाया एल और यहां भी लगाया टेल, लेकिन यहां हम टेल लिख देंगे, यहां टेल नहीं लिखेंगे, इनके साथ हमेशा हमने ऐसे ही इसका इजाफा करना है और इनके साथ हमने ऐसे ही इसका इजाफा नहीं करना, ठीक है, इज दैट क्लियर। तो यहां इसीलिए हमने एस लगाया था। और एक और बात बता दूं, जो वर्ड सी एच एक्स ओ एस एस ई एस पर खत्म होंगे तो हम उनके साथ क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे, ठीक है, क्या लगा देंगे, ES लगा देंगे, बाकी सबके साथ S, ठीक है, ये बात इसमें क्लियर होगी, ठीक है, इनके साथ अपने S लगाना है। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके नेगेटिव बनाते हो, अब बात समझिए, इज इट क्लियर, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला, फिर हम लिखेंगे काम क्या है और फिर लिखेंगे किस चीज पर काम हो रहा है, ये तीन चीजें बोलेंगे, ठीक है। अब नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव बनाने के लिए सिर्फ हम देखिए, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं, मैं आपको पहले कैसे बता चुका था कि प्रेजेंट के अंदर इस इंडेफिनेट में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे वो होगा डू एंड डज, ये इस्तेमाल। अगर ये डू डज के साथ अगर हम नेगेटिव लगा दें तो फिगर नॉट लगा दें, फिगर नेगेटिव बन जाता है। अगर इनको सवालिया बनाने के लिए सब्जेक्ट के शुरू में लिखे तो फिगर सवालिया बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही डू, अब डू मैंने क्यों लिखा, इसलिए कि ये वाला एस अब मैं यहां लिखूंगा, ही, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ओपर खत्म होगा तो ई एस लिखेंगे, ही डज नॉट। अब देखिए इस वाला एस तो खत्म हो गया ना, वो तो हमने यहां लगा दिया, अब यहां तो नहीं है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, ही डज नॉट टेल अ लाई, हम झूठ नहीं, वो झूठ नहीं बोलता। बस समझ आ गए, ही का ही लिख दिया क्योंकि टेल्स है, तो उसके लिए हमने डू डज लगाना है,
चलाएंगे, he does not tell a lie. अब सवाल यह बनाना है तो क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे do, शुरू में आ गया वही es पहले लगा देंगे, does he tell a lie. ठीक है, is it clear? क्या हमने पढ़ा पहले, ये इसका हो गया affirmative, इसे क्या कहेंगे affirmative. Affirmative के लिए क्या करना है, subject, verb and object. ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास negative. Negative के लिए क्या है, do or does के साथ हम not लगा देंगे. और हमारे पास ये सवालिया है जिसे हम interrogative कहते हैं. Interrogative के लिए हम क्या लगा देंगे, does को पहले लगा देंगे, बाकी फिक्रा वैसे के वैसे. Is it clear? ये हमारा पहला टेंस था. इसके लिए आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, मतलब सेंटेंस देने हैं. ठीक है, और इस वीडियो के नीचे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपने खुद से जो है एक फिक्रा बनाना है और मुझे लिखकर दिखाना है कि भाई ये फिक्रा मैंने लिखा है. आप इसको, मैं फिर उसके बारे में बताऊंगा कि वो फिक्रा आपने ठीक लिखा है नहीं, इस पर भी आपकी प्रैक्टिस होगी. बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप परफेक्ट नहीं. अगर आप लेवल की इंग्लिश बोलना चाहते हैं, मतलब बहुत अच्छी, और लिखना भी चाहते हैं, तो फिर आपके लिए ग्रामर के रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मैंने आपको प्रेजेंट के बारे में बताया है, ये प्रेजेंट की आपने टेंस बतानी है, ये फॉर्मेशन याद रखनी है. ये फॉर्मेशन आपने मुझे कमेंट में नीचे लिख कर देनी है, खुद लिख कर देनी है कि उसकी फॉर्मेशन क्या है. क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं. फिर आप ये भी मुझे बताएंगे कि ही शी इट के साथ क्या लगाते हैं, और देर या यू के साथ ऐसे ही इसको लगाना है. ठीक है, फिर एक फिक्रा भी आपने मुझे लिखाना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो. अगर आप गलत लिखेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, अगर सही होगा तो मैं गुड दे दूंगा. ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच. ओके फ्रेंड्स, आज हमने इंडेफिनिट पढ़ा. नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कंटिन्यूअस के बारे में बताएंगे बहुत इजी वे में. ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस भी करें, और इसको आपने क्या करना है, शेयर भी करना है दोस्तों के साथ ताकि उनको भी टेंसेस के बारे में पता चले. ठीक है, और आपने मुझे कमेंट में भी लिखना है, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बता दिया. एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी.